आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है एक पर्सनल पोर्टफोलियो या रिज्यूमे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं एक वेबसाइट डेवलपर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है एक पर्सनल पोर्टफोलियो या रिज्यूमे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं एक वेबसाइट डेवलपर के लिए। तो चले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें आप रिक्वायरमेंट पढ़ पा रहे होंगे कि हेलो, आई नीड अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, आई एम अ वेबसाइट डिवेल्पर एंड ऑफरिंग माई सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। एज आई माई सेल्फ इज अ वेबसाइट डिवेल्पर, आई कैन डू इट माई ओन बट आई डोंट हैव मच टाइम टू डू सो। द पेजेस दैट आई नीड वुड बी होम पेज, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एंड अ बटन फॉर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। तो अब ये रिक्वायरमेंट्स है मेजरली। इसके अंदर हमें समझ आया कि हमें एक होम पेज, अबाउट अस सर्विसेज का पेज, कॉन्टैक्ट और अपॉइंटमेंट का जो है वो बटन हमें चाहिए जिस पर क्लिक करके जो यूज़र है वो अपॉइंटमेंट ले सके, राइट। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट पे क्या है। इसको मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें क्लीन हो जाएं और स्टार्ट से हम इसको स्टार्ट करें। तो मैं जल्दी से इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, अब अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुकी है, राइट। तो मैं वेबसाइट को दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, राइट नाउ हम अपनी फ्रेशली इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस के अंदर आ चुके हैं और हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल कम्प्लीट, मतलब बेसिक है, कुछ भी उसके ऊपर नहीं है, हमारा इवन थीम भी नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिंपल चलते हैं, सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं। मेरे ख्याल से आस्ट्रा एक कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा, तो आस्ट्रा हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको जस्ट हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद सिंपल आप इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे हमारे पास अगेन वही ब्लैंक पेज, हम वापस डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम सिंपल यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा टेम्पलेट हमारे पास आस्ट्रा के अंदर अवेलेबल है या नहीं है जिसको हम यूज़ करते हुए हम अपना वेबसाइट, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, जैसे पर्सनल केयर, पर्सनल साइट, लेट्स से मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो एंड सीवी पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, चले हम इसको यूज़ करते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ एज इट इज़। रिलोड कर देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्यों इशू कर रहा है। तो मैं दोबारा से जो है यहाँ पे आ चुका हूँ और अब की बार मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, सेम इशू, मैं वापस जाता हूँ और इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो ये इश्यूज आपको सम टाइम फेस करने पड़ सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, आपने दोबारा से ट्राई करना है, राइट। तो मैं अगेन वही चला जाता हूँ सीवी और ये हमारे पास टेम्पलेट आ गई और इसको मैं कर देता हूँ स्किप और ये जिस तरह से है वैसे ही ठीक है। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास सेम वही हमारा जो टेम्पलेट है वो बिल्ड होना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा फिर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस टेम्पलेट को ज़रा से ऑप्शन इम्पोर्ट होने दें, 17% हो चुका है। तो ये जैसे ही कम्प्लीट होता है फिर बाकी चीज़ें हम इसकी करते हैं, राइट।
ओके, तो प्रीटी मच ये ऑलमोस्ट हो चुका है हमारे पास। ओके, अब हम अपनी वेबसाइट को ज़रा देखते हैं कि किस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है, कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमारे पास जो क्लाइंट ने बताया था हमारे पास, हमें क्या चाहिए, अब जो ये थीम हमने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको हमने अल्टर करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। हमारे पास होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और ये बटन होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले होम, अबाउट और सर्विसेज। होम, अबाउट दो पेजेस ऑलरेडी हैं, हम देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास पोर्टफोलियो है जो कि क्लाइंट ने नहीं कहा, जो कि उसे वो नहीं चाहिए। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम एज अ सर्विस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्पलेट हैं वो बेसिकली सिंपल उसी तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं, इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर। और यहाँ से मैं एक बार होम को भी ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे इस पोर्टफोलियो वाले पेज, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए नहीं था, इसको मुझे अल्टर करना है सर्विसेज के सेक्शन में। तो वो मैं किस तरह से करूंगा, मैंने इसको एडिट किया और एडिट करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसे सेक्शन उठाऊंगा जिसको मैं सर्विसेज का सेक्शन बना सकूं और इस पेज के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें उनको मैं डिलीट कर दूंगा और उन वाली चीज़ों को यहाँ पे सेटअप कर दूंगा और हमारा सर्विस वाला पेज मतलब कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारे पास रहेगा, राइट। तो हमारा सिर्फ यही पेज था जो कि हमें क्या करना था, चेंज करना था। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ होम पेज के ऊपर क्या कोई ऐसे सेक्शंस हैं। ये देखें, ये सर्विसेज वाले सेक्शन है, तो इनको उठा के मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे डाल सकता हूँ इस वाले पेज के अंदर। तो मैं इसको भी एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज सर्विसेज के अंदर, और इन सारी चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आ गया मैं ये होम पेज जहाँ पे हमारा वो सेक्शन अवेलेबल था। लेट्स से ये वाला सेक्शन अवेलेबल है, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा इस पेज पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा, मज़ीद डुप्लीकेट कर दूँगा, मतलब जितने भी सर्विसेज है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मोर देन इनफ जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमारा सर्विसेज वाला पेज भी यहाँ पे ओपन हो मतलब बन चुका है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये पेज तो हमने डिज़ाइन कर लिया लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, पोर्टफोलियो अभी भी आ रहा है। तो मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऑल पेजेस के अंदर और इसको क्विक एडिट करके सर्विसेज कर दूंगा। ओके, तो अब मैं अगर इसको रिलोड करूं ओके, तो यहां पे देखें हमारे पास चारों पेजेस आ गए और सर्विसेज पे मैं जाता हूं तो हमारे पास एज इट इज वही सर्विसेज आ गए, मतलब हमने चारों पेजेस कंप्लीट कर लिए। इनका एडिट हम बाद में करेंगे, अभी बात कर लेते हैं इस हायर मी की। हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट ने कहा था मुझे एक बटन चाहिए जिसपे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, ठीक है। अब जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेगा, कहाँ पे जाके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट का कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं प्लगइन्स के अंदर और देखेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेवेंट कौन सा प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहां पे लिखता हूं अपॉइंटमेंट और यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास। तो सिंपली हम करते हैं अपॉइंटमेंट आवर बुकिंग प्लगइन, लेट्स से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी जो रिव्यूज हैं वो अच्छे हैं, काफी सारे इंस्टॉल्स भी हैं, इसका मतलब है ये काफी पॉपुलर प्लगइन है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखे शॉर्ट कोड फॉर पेजेस एंड पोस्ट्स और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा अपॉइंटमेंट बुकिंग बाय आवर्स अपॉइंटमेंट। ओके,
यहाँ पे मैं इस पे सारे रूल्स बना सकता हूँ कि क्या क्या किन किन डेट्स पे मैं अवेलेबल हूँ, किन किन डेट्स पे लोग जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं इसको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स हैं, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करे तो हमें नोटिफिकेशन किस मेल के ऊपर आए, ठीक है। उसके बाद एंटी स्पैम, मतलब कैप्चा हमें लगाना है नहीं लगाना, रिपोर्ट वगैरह, एड ऑन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, सेव एंड पब्लिश कर देना है। सिंपल, हमने बेसिक सा प्लगइन मैं आपको जस्ट सेटअप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पब्लिश कैलेंडर कर देता हूँ मैं। और पब्लिश होने के बाद हमारे पास द बुकिंग पेज वाज रिप्लेस इनटू दिस। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसने हमें पेज ऑटोमेटिकली बना के दे दिया, आई होप सो। ओके, तो यहाँ पे देखें, दिस इज अ प्रीव्यू पेज, रिमेंबर पब्लिश इफ यू नीड। ओके, तो हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। और यहाँ पे देखें, बुकिंग फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये ड्राफ्ट के अंदर है, इसको क्विक एडिट करूँगा। और यहाँ पे आ जाएंगे हम पब्लिश। तो अब ये पेज हमारा बन चुका है। इस पेज का मैं यूआरएल जो है वो कॉपी करूँगा और इस बटन के ऊपर लगा दूँगा। अब ये किस तरह से करूँगा मैं, तो मैं कर देता हूँ थीम बिल्डर पे नहीं जाना था हमें जाना था कस्टमाइजेशन के अंदर। तो मैं कस्टमाइज पे जाऊँगा। और कस्टमाइज पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलने चाहिए, जैसे ये हेडर बिल्डर हो गया, कहाँ पे है इसका ऑप्शन, ये हेडर बिल्डर। और यहाँ पे देखें ये बटन का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया पब्लिश। और इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ बुक अपॉइंटमेंट। ओके, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो मज़ीद अब ये यहाँ पे हमें पिक्चर चेंज करनी है, क्लाइंट का नाम चेंज करना है, और बाकी जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो आपको पता है एलिमेंटर में किस तरह से चेंज होती हैं और किस तरह से करते हैं। लेट्स से हमें ये इमेज रिप्लेस करनी है, तो मैं यहाँ से इसी तरह की एक इमेज लूँगा, क्लाइंट मुझे प्रोवाइड करेगा वो इमेजेस। लेट्स से ये मेरे पास इमेज रही एक क्लाइंट की, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। यहाँ पे देखें हमारी इमेज रिप्लेस हो गई। तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ, शमाल खान। ओके, और लेट्स से इन बटन्स को मुझे रीडायरेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कोई क्लिक करे लर्न मोर पे तो वो चला जाए इस बुकिंग वाले प्लगइन के ऊपर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ इनके ऊपर लिंक्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक्स लगा सकता हूँ। तो ये बेसिक से सेटिंग्स, आप जिस तरह से भी इसको एडिट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री बिल्ट हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। चलें चल के देखते हैं हम वेबसाइट, क्या एग्जैक्टली वही चीज़ें हमने बनाई हैं जो क्लाइंट ने डिमांड की थी। अब इनको मैंने पूरी पेजेस को मैंने एडिट करके नहीं दिखाया, क्योंकि वो आप बेहतर जानते हैं किस तरह से आपने एडिट करना है। क्लाइंट का नाम क्या है, उसने क्या क्या टेक्स्ट दिए, आपने किस तरह से उसको एडिट करना है, तो वो सारी चीज़ें। तो देखें, सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास यहाँ पे कि ये चार पेजेस होने चाहिए जो कि हमारे पास हैं, और उसके बाद एक बुक अपॉइंटमेंट का प्लगइन हो। अभी मैं आपको यहाँ पे देखें, बुक अपॉइंटमेंट पे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखें अवेलेबल हैं बुकिंग्स। लेट्स से मैं 29 तारीख को 9 बजे बुकिंग अवेलेबल करना चाह रहा हूँ। मैं अपना ईमेल डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ RHTKR और सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो हमारी बुकिंग वो है हो चुकी है। अगर हम जाके बैकएंड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है बुकिंग अवेलेबल होंगी, एड बुकिंग्स ब्लॉग बुकिंग पब्लिश। ओके, तो मेरे ख्याल से जो बुकिंग्स हैं इस प्लगइन के अंदर वो आपको ईमेल्स के ऊपर मिलेंगी, जो हमने ईमेल डाली थी। तो मैंने एक रैंडम से ईमेल डाला था, उस ईमेल के ऊपर वो बुकिंग जो है, बुकिंग का नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका होगा।
तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हमने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई। सिर्फ हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पर गौर करना है और उसके मुताबिक हमने अपनी वेबसाइट को मोल्ड करना है, डिज़ाइन करना है, चाहे वो टेम्पलेट यूज़ करके करें, स्क्रैच से बनाए। अभी देखें, हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी सिर्फ टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, और बाकी चीज़ें हम उसको एडिट करके ऐड कर देंगे। तो सिंपल इतना सा काम होता है वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।